गरीब वर्सेस अमीर का खेल। काशी में एक गरीब कॉलोनी में उत्तेज कहकर एक चोर रहता था। एक दिन उत्तेज से घर में उनका बेटा शिरीष। ओ पापा, मुझे खेलने के लिए खिलौना चाहिए, जाके कहीं से चोरी करके लाओ, वरना मैं पुलिस को बोल दूंगा कि तुम रोज चोरी करने जाते हो। रे, क्या बात कर रहे हो, मैं चोरी करता हूँ कहकर तुम्हें कौन बोला, वो सब झूठ है। ओ हेलो, तुम जाके मार्केट में चोरी करना, लोग तुम्हें पीटना, सब कुछ माँ ने मुझे बताया है, ठीक है, फिर भी तुम चोरी करते हो तो पैसे तो अच्छे आते हैं ना? कम से कम उन पैसों से मेरे लेगोस, मिनी कार्स और जो अमीर बच्चे खेलते हैं ना, वो खिलौने तो खरीदो। अरे और अबरी, बच्चे से क्या कह रही हो, वो अपने मर्जी से बोल रहा है। इसमें गलत क्या है, चोर का बेटा चोर जैसे ही बोलेगा, मैं नहीं जानती ये सब, तुम दोनों ये बात आपस में निपटा लो, कहकर चली गई। तब उत्तेज शिरीष को लेकर गरीब बच्चों के पास गया। तब वे बच्चे झुकना कूदना ऐसे अपने आप आपस में खेल रहे थे। वो देखकर उत्तेज, देखा, किसी की हाथों में एक भी खिलौना नहीं है, वे लोग अच्छे से अपने आप से खेल रहे हैं, इसको बोलते हैं टैलेंट, तुम भी जाकर उनके साथ खेलो। छी, उनके साथ मैं नहीं खेलूंगा, तुम भी तो इनकी तरह ही हो, तुम बिना किसी चीज लिए सिर्फ एक सिंपल से ब्लेड के साथ सबकी जेब काटते हो ना, थोड़ा वही मुझे सिखा दो, फिर मैं खुद चोरी करके अपने खिलौने खरीद लूंगा। अरे क्यों रे, आज तुम्हारे मेरी इतना हिंसा कर रहे हो, चलो तुम्हें रिच बच्चे खेलने के जगह लेके जाता हूँ, उनका खेलने का खिलौना को देखो, उसमें कौन सा खिलौना पसंद आया वो मुझे दिखाओ, ठीक है? ये दिखाऊंगा, और वो चोरी करके लेके आओगे, है ना? ये इतने अच्छे चोर बाप हो तुम। अरे तुम मेरा प्रशंसा कर रहा है या डांट रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो कहकर शिरीष को एक रिच घर के पास लेके गया। तब उधर रिच बच्चे कुछ चीजों से खिलौने तैयार करके खेल रहे थे। वो देखकर उत्तेज, अरे इन छोटे बच्चों के पास तो बहुत सारे खिलौने हैं, लेगोज, मिनी कार्स और क्या क्या, मुझे बोलने के लिए नहीं आ रहा है, उनका नाम भी मुझे पता नहीं है, तुमको क्या पसंद है जल्दी से बोलो, मैं जाकर उसे चुरा कर आता हूँ। कोई भी खिलौना उठा के ले आओ, फर्क नहीं पड़ता, मगर उन बच्चों को दिखना मत। देखो बेटा, हम चोरी करने में मास्टर डिग्री किए हैं, यूं जाकर यूं वापस आता हूँ, अगर कोई देख लिया तो भी मुझे कोई नहीं पहचान सकता है, तुम यही ठहरो, कहकर खिलौने से खेल रहे बच्चों के पास चोरी चुपके से गया। उधर एक मिनी कार को लेकर आ रहा था तो वो देखकर रिच बच्चों में से एक, अंकल आपका नाम उत्तेज है ना, आप शिरीष के पापा हो ना? तब उत्तेज घबरा गया, बाबू शिरीष ऐसा खिलौना चाहिए कहकर पूछा, तो मैं इसे शॉप वाले को दिखाकर उनको ऐसे ही खरीद कर इसे इधर रख देता हूँ, तुमको शिरीष कैसे मालूम है? हमारा स्कूल और उसका स्कूल अगल बगल में है अंकल, हमें स्कूल के पास बहुत हेल्प करता है, वो बहुत अच्छा है और आपके बारे में बहुत अच्छा बोलता है अंकल, मगर उसके फ्रेंड्स उसे चोर का बेटा कहकर रुलाते रहते हैं अंकल। उतना ही नहीं, आपके गरीब कॉलोनी के बच्चे कोई भी उसके साथ नहीं खेलते हैं, बेचारा कई बार ये सब कहकर वो रोया भी था। तब उत्तेज उस कार को उधर रख दिया और शिरीष के पास आया और शिरीष से, उत्तेज शिरीष हमारे कॉलोनी में कोई भी तुमसे खेलने के लिए नहीं आ रहे हैं क्या, मेरे वजह से तुम्हें सता रहे हैं क्या? कोई बात नहीं पापा, कोई भी मुझे या माँ को कुछ कहे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो ना, कई दिनों बाद घर आते हो, ज्यादातर पुलिस चौकी और जेल में टाइम बिताते हो। सॉरी बेटा, अब से कभी भी चोरी नहीं करता हूँ और तुमको अपमान करने वाला कोई भी काम नहीं करता हूँ, तुम पर कसम खा रहा हूँ बेटा। थैंक यू पापा, बहुत बहुत थैंक्स पापा, माँ को भी ये बात पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी, पता है ना? अगले दिन से उत्तेज ऑटो चलाते हुए ईमानदारी से जीने लगा। वो देखकर रबरी और शिरीष बहुत खुश हो गए। लॉकडाउन शादी। काजीपेट नाम के गांव में प्रेमचंद नाम का एक धनवान रहता था। प्रेमचंद को पैसे होने का बहुत घमंड था, गरीबों को धुतकारता था। प्रेमचंद की एक बेटी थी शालिनी। प्रेमचंद शालिनी के लिए धनवानों का रिश्ता देख रहा था।
लेकिन शालिनी अपने कार ड्राइवर विनोद से बहुत प्यार करती थी। एक दिन शालिनी विनोद से, विनोद तुम हमेशा कहते रहते हो कि मेरे पिताजी से तुम बात करोगे, पर कभी बात करते नहीं। तुम जानते हो उन्होंने एक रिश्ता पक्का कर दिया है। तुम्हारे पिताजी से बात करने का मतलब है शेर के मुंह में सिर डालना? वो इतना आसान नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं क्या बात करूं और कैसे बात करूं। ये सब मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगी, कह देती हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुमसे भाग कर शादी नहीं करने वाली। ये शादी मेरे पिताजी के मर्जी के साथ ही होनी चाहिए, याद रखो। कहकर चली गई। विनोद समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। प्रेमचंद ने शालिनी की शादी सूरज नाम के व्यक्ति के साथ तय कर दी। इतने में एक महामारी बीमारी के कारण देश भर में लॉकडाउन की घोषणा हुई। सरकार ने एक घोषणा किया कि इस बार और ज्यादा एहतियात बरतना चाहिए। तब विनोद को एक उपाय सूझा। विनोद और शालिनी सूरज से जा मिले और अपने प्यार के बारे में उसे बताया। ब्रदर, हम दोनों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। हमारी मदद करो और हमारी जिंदगी को संवार दो। मैं तुम दोनों के प्यार को समझ सकता हूँ, पर क्या मेरे कहने से प्रेमचंद जी मान जाएंगे? मैं ज्यादा से ज्यादा शादी को कैंसिल करा सकता हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ? ना ना ना, शादी कैंसिल ना करना। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो बस। कहकर उन दोनों ने सूरज से कुछ कहा। बाद में सूरज ने प्रेमचंद जी को फोन किया और प्रेमचंद जी, जो मुहूर्त तय हुआ है उसी में शादी होनी चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। शादी में आने वाले हर एक व्यक्ति को पीपीई किट पहनना चाहिए, दूल्हा और दुल्हन समेत। मुझे इस महामारी से बहुत डर लगता है, इसीलिए अगर रूल्स को हमने स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो ही ये शादी होगी। प्रेमचंद मान गया। यूं शादी में सब पीपीई किट पहने हुए थे। शालिनी भी पीपीई किट पहनकर मंडप में बैठी थी। वहां कमरे में विनोद ने सूरज को प्रणाम किया। सूरज पिछले दरवाजे से चला गया। विनोद ने तुरंत पीपीई किट पहन लिया। और जाकर मंडप में बैठ गया। प्रेमचंद ने एक लैपटॉप लाकर उन दोनों के सामने रखा। पंडित जी कह रहे थे कि उन्हें वैक्सीन का सेकंड डोज नहीं मिला, इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए ऑनलाइन में शादी करा रहे हैं। तो आप दोनों वो जैसा कहते हैं वैसा ही करना। पंडित जी अपने मोबाइल में उन दोनों का तस्वीर देखते हुए, बेटा तुम अपने दाएं हाथ से उस लोटे को लो और उसमें से जो पानी है वो अपने बाएं हाथ में डालो। बेटी तुम हल्दी और कुमकुम उस नारियल के ऊपर छिड़को। ओम मांगल्यम तंतुनाय नामम जीवनेतुना, कहकर मंत्र पढ़ने लगा। इस तरह उनकी शादी संपन्न हुई। जो लोग शादी में आए थे उन्हें प्रेमचंद ने खाने का पार्सल दिया। हम बुरा ना मानिएगा, दामाद ने कहा है कि यहाँ पर फेस मास्क निकालना वर्जित है, इसीलिए ये प्रबंध किया गया है। आप लोग घर जाकर आराम से खाइए। उसके बाद प्रेमचंद विनोद को ढूंढने लगा। सवेरे से वो विनोद दिखाई नहीं दे रहा। लगता है कि शादी के काम से बचना चाहता है वो। आने दो उसे, मैं उसकी खबर लूंगा। शादी के अगले दिन अपने घर में प्रेमचंद विनोद से, जो कि पीपी किट पहने हुए था, ये क्या दामाजी, अपने घर में भी पीपी किट पहनने की क्या जरूरत है? जब तक ये बीमारी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता पिताजी, इसीलिए मैं कुछ दिनों तक अपने घर भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। इतना भी डरने की क्या जरूरत है दामाद जी, चलो आपकी मर्जी है, जब तक चाहे रह ले। यो विनोद सिर्फ अपने कमरे में ही पीपी किट उतारता था और प्रेमचंद के सामने पीपी किट पहनकर ही घूमता था। प्रेमचंद को ये बड़ा अजीब लगा। यूं कुछ साल बीत गए। उनका एक बेटा हुआ जो कि 6 साल का हो गया था। एक दिन प्रेमचंद, ये क्या दामाजी, बीमारी को आए हुए कई साल बीत गए, लगता है एक दो दिन में चाइना में नई बीमारी भी शुरू होने वाली है, मैं तो ये भी भूल गया कि आप दिखते कैसे हैं। अब अगर आपने पीपी किट नहीं उतारा तो मैं नहीं मानने वाला। क्यों जी, अब तो बच्चा भी बड़ा हो गया है, पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते, अब आप वो पीपी किट निकाल दीजिए। प्रेमचंद कुछ समझ नहीं पाया। तब विनोद ने तुरंत पीपी किट निकाल दिया। प्रेमचंद विनोद को देखकर बेहोश हो गया। शालिनी ने अपने पिताजी के चेहरे पर पानी छिड़का और उसे उठाया।
ये तो धोखा है, दगा है। अरे विनोद कमीने, तूने इतना बड़ा धोखा दिया। ये धोखा नहीं है पिताजी, ये प्यार है। यदि हम आपसे कहते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या आप हमारी शादी कराते? इसीलिए हम दोनों ने मिलकर ये नाटक रचा था। आप तो देख ही रहे हैं कि हम दोनों कितने खुश हैं। ऐसा दामाद आप चिराग लेके ढूंढोगे तो भी ना मिले, इसीलिए आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। तब प्रेमचंद ने लाचार होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया।